सुल्तानाबाद फेडरेशन वेलफेयर सेंटर ने वर्सपा विभाग में बीएमसी चुनाव में जीते हुए नगर सेवकों का सम्मान करने हेतु कार्यक्रम का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में गुरदास कामत, एमएलए बलदेव घोसा, नगर सेवक चंदेश मुल्तानी, देवेंद्र आंबेकर, मोहसिन हैदर सहभागी हुए, जिनका किया गया सत्कार समारोह, जहां पर गुरदास कामत ने लोगों की सेवा में हम तत्पर रहेंगे कहा। यहाँ पर उन्होंने जो सत्कार किया है और प्रभाग समिति की तरफ से जो जोर लगाने की आवश्यकता है, यहाँ जो विकास के काम है वो अच्छा है कि सभी लोगों का सत्कार। प्रोग्राम का जो मतलब मकसद था वो क्या था, असल में जो मकसद क्या है? नहीं, इन सभी लोगों का सत्कार था और क्या सत्कार था, और कुछ विकास की बातें वगैरह? विकास तो होता रहेगा, सभी ने आश्वासन दिया नगर सेवकों के साथ साथ विधायक जी, मैं, हम सब मिलके लोगों की तकरीर जो भी होगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। निवेदन भी दिया गया है, उसमें वेलफेयर सेंटर जो पहले बना हुआ है कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, उसके साथ साथ और भी बढ़ा कर जगराला जी ने और फेडरेशन की तरफ से दिया है, वो हमने स्वीकारा है। इस कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 57 से बीएमसी चुनाव जीते हुए बड़ा अम्बेकर से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। मेरी कोशिश ऐसी है कि मेरा पहले से काम करने का तरीका, जहाँ से आपने वार्ड नंबर 59 जो मेरा वार्ड है, वहाँ के लोग आज भी मेरे को चाहते हैं, और वो वार्ड मैंने कैसा डेवलप किया है वो आप देखिएगा। मैं जनसंपर्क कार्यालय के बदले मैं लोगों के बीच, लोगों के घर में जाके, उनके ऑफिस में मिलने जाके वो मेरे कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही कोशिश रहेगी कि लोगों के जाके मिलने, लोगों को मेरे ऑफिस में बुला के लोगों को तकलीफ क्यों देने की, उनकी रिक्शा भाड़ा क्यों खर्चा करने का, फिर नगर सेवक रहता है दो दस आधा आधा घंटा, पंद्रह पंद्रह मिनट, एक एक घंटा उसको मिलने के लिए लगता है, उसके बदले उनके पास अपन जाते तो उसको खुशी होती, उस नागरिक को खुशी होती कर रहे हैं। और 6-7 साल से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम ही चल रहा है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, प्रिंसचाल है, गुलशन नगर है, कहाँ भी बस्ती में जाता हूँ, तो 50% लोग शिफ्टिंग हो गए, 50% वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था नहीं है, लोगों के घर में ड्रेनेज लाइन आ रही है, ड्रेनेज का पानी आ रहा है। कल तो हमारा प्रिंस चाल के इधर वाटर कंटेम्पशन था, आज भी वो यहाँ पे इस्माइल नाम का लड़का यहाँ पे आया रहेगा, और मुबारक पटेल, वो लोग मुझे बता रहे हैं कि हम ये विकासक जानबूझ के काम कर रहे हैं। तो नगर है, विकास नगर है, शास्त्री नगर है। शास्त्री नगर जो ऐसा इलाका है ना, जो पानी की लाइन जाती है ना, तो टैप बने रहते लाइन पानी की लाइन को, तो वहाँ पे उन्होंने दो दो तीन तीन फुट ऐसा खड्डा बना के रखा है, और उसमें एक एक बूंद है ना पानी गिरता है। ऐसा तो इलाका आपने पूरे महाराष्ट्र में नहीं देखा रहेगा, गांव में भी नहीं देखा ऐसे लोगों के, मुंबई से ऐसे। अब 4 नंबर जो एरिया है वहाँ के आधा किलोमीटर महिलाएँ बेचारे नीचे आती है, वो तुकाराम अंबोले गार्डन के इधर वहाँ पानी भरते हैं, और भली मोटी बड़ी लाइन लगी रहती है, 100-200 लोग लगी। एक महिला होते मुझे बोले कि साहब मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, ऐसे यहाँ की परिस्थिति है और समस्या है। इसको पूरा का अभी टैंक प्लॉट में भी देखो, क्रीडा संकुल बना है माँ साहेब मीना ठाकरे के नाम पे, और वहाँ पे विकास नगर की ड्रेनेज लाइन थी 6000 लोगों की, उसको बुझा दिया गया, ये लोग काम करते हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इतने नगर सेवक मिलकर वार्ड क्रमांक 57 का कितने जल्द से जल्द विकास करते हैं। कैमरामैन तुषार के साथ मैं अकबर शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई। जहाँ कई संस्थाएं और क्षेत्र की जनताओं ने अपने नगर सेवकों के जीतने पर उनके सत्कार समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया, अब नगर सेवकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से लोगों ने उनका आदर सत्कार किया, उसी तरह से वह भी लोगों की सेवा में तत्पर रहे और उनकी समस्याओं का हल निकाले।